नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। लेकिन लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन 30 को बनाएं या 31 को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को बनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि जो है 30 अगस्त 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। लेकिन दोस्तों, समस्या की बात यह है कि 30 अगस्त 10:58 पर ही भद्रकाल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त रात को 9:01 तक रहेगी। तो ऐसे में रक्षाबंधन बनाना अशुभ फल देता है। भद्रा काल के अंदर कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, यानी कि राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो रक्षाबंधन बनाने का जो शुभ समय होगा वो 30 अगस्त को रात को 9:01 के बाद से लेकर के सुबह 7:05, यानी कि 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगा। तो शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे अच्छा मुहूर्त 31 अगस्त को 7:05 से पहले पहले का रहेगा, यानी कि सुबह आप जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करने के बाद, पूजा करने के बाद अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र बांधते हुए आपको गणेश जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से यदि कोई भी दोष होगा उस दिन को लेकर के या उस दिन के अंदर, तो ऐसे में सभी दोष गणेश जी के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे और आपका मंगल होगा। तो हम यही चाहते हैं आपको जागरूक करना। एक बात और खास है, इस बार कई सौ सालों के बाद, कई दशकों के बाद शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि आने वाले समय के अंदर भाई बहन दोनों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाले हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके करोड़पति बनने के योग बन रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन कई दशकों के बाद खास योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन जैसे कि रवि योग, बुध आदित्य योग, और इसके साथ साथ शत भिक्षा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन गुरु और शनि वक्री अवस्था में अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार, जो ज्योतिष शास्त्री हैं उनके अनुसार, ऐसे संयोग रक्षाबंधन के दिन बनना कुछ राशियों के लिए बहुत ही फलदायी साबित होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनेगी और ऐसे में आने वाले उनको भविष्य में करोड़पति, यहाँ तक कि अरबपति बनने के भी योग बनेंगे। बस ये उन पर निर्भर करता है कि वो कैसे कर्म कर रहे हैं और उनको आगे क्या करना चाहिए और क्या वो टाल रहे हैं जो उनको नहीं टालना चाहिए, ताकि आगे चलकर उनको सफलता मिले और सफलता के साथ साथ माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा मिले। तो ऐसे में आपको शुभ संयोगों का फायदा उठाना चाहिए और अपने कर्म पथ पर आपको लगे रहने हैं। तो चलिए जानते हैं किन राशि के जातकों को रक्षाबंधन के दिन फायदा होने वाला है। सबसे पहली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को जो रक्षाबंधन पर अद्भुत संयोग बन रहा है, उनकी तकदीर चमकाएगा। सिंह राशि के जातकों की माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने से बिजनेस से जुड़े लोगों को, व्यापार धंधे से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, अलग अलग मार्गों से धन की आवक होगी। ऐसे में यदि आप शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ही अधिक मुनाफा मिलने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स को भी तरक्की मिलेगी। तो ऐसे में सफलता जब स्टूडेंट्स को मिलेगी तो आगे चलकर उनको भविष्य में अच्छा जीवन मिलेगा। तो ऐसे में हर किसी को जो सिंह राशि के जातक है, उनको किसी ना किसी प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि है जिनको रक्षाबंधन के दिन फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है, उन धन लाभ होने वाला है, माफ कीजिए, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को राखी वाले दिन के अगले महीने से पैसों की, धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। पैसों
कि जो तंगी चल रही है, आर्थिक परेशानी से उनको छुटकारा मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, नौकरी धंधे व्यापार के अंदर वो कामयाबी हासिल करेंगे और इसका शुभ प्रभाव जो है वह मिथुन राशि वाले जातकों को भरपूर रूप से मिलेगा। अगली राशि जिनको फायदा होने वाला है वो है धनु राशि वाले जातक। इनके लिए आने वाला समय बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। लंबे समय से जो कार्य टल रहे थे या टाल रहे थे, ये जातक वो कार्य पूरे होंगे। ऐसा करने के बाद उनको सफलता और धन प्राप्ति के योग बनेंगे, तो कार्य क्षेत्र में तरक्की सफलता मिलने से जो आगे चलकर उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। छात्र यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जल्दी नौकरी लगेगी, सरकारी जॉब मिलने के पूरे योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों को भी रक्षाबंधन पर धन लाभ होने के योग हैं। साथ ही इस राशि के लोगों का अटका हुआ कार्य पूरा होगा, नौकरी वैवाहिक जीवन के अंदर शांति और स्थिरता आएगी। तो ऐसे में आपकी राशि यदि कुंभ है तो आपको काफी लाभ होने के योग बन रहे हैं। आगे आने वाले जीवन में पूरी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनेगी। मकर और मेष राशि के लिए भी आगे आने वाला समय बहुत ही पक्ष का बन रहा है। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपको व्यापार धंधे में बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आय में आपकी वृद्धि होगी यह निश्चित है। और साथ ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में परिवार का और सगे संबंधियों का, अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि आप अपने कार्यों को जल्दी खत्म कर पाएंगे और जल्दी सफल हो पाएंगे, जल्दी धन मुनाफा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रही ज्योतिष की बात और हमने आपको शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन का शुभ समय भी बता दिया है और किस समय राखी आपको नहीं बांधनी चाहिए और किस समय आपको रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार आपके लिए सुख शांति समृद्धि लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।